तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम साई राम सौम्या, राधे राधे सबको। तो आजकल ये भजन जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी ये सर्च करके देखिएगा। ये भजन ऐसे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा मैं गा रही हूँ तो, लेकिन सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज वीडियो का शुरुआत यहाँ से करते हैं। सब्जी तोड़ रही हूँ मैं, बोरो आलू की सब्जी बनाऊँगी मैं। और अभी आएंगे तो मैं भुजा मंगाई हूँ, सैटरडे का दिन है तो भुजा खाते हैं। सैटरडे को ना भुजा और खिचड़ी दो चीज़ जो होता है ना, मस्ट हो जाता है फिर। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितने सारे हमने सब्सक्राइब कर रखे हैं, मतलब हमको लगता है 1000 से भी ऊपर होंगे, और हमारे एनी हाउ 5500 हो गए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कम्युनिटी मुझे मिल गई है 500 सब्सक्राइबर्स हो जाने के लिए। आप लोग के लिए बहुत 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 आप लोग को धन्यवाद, और ऐसे ही साथ बनाए रखिए। एक दिन ज़रूर 1000 मैं कर लूँगी, थोड़ा सा विश्वास जग गया है, कम्युनिटी मिल गई है। तो मैं इस समय डिनर के लिए तैयारी कर रही हूँ, और अक्सर मैं वीडियो इसी तरह से ही शुरू कर पाती हूँ, क्योंकि दिन भर काम बहुत ज़्यादा होता है और कैमरा मोबाइल लेके बैठी है तो काम बहुत धीरे होता है। देखिए अंकित जो है ट्यूशन से, यार बैग देखिए कैसे फेंक फेंक के काम कर रहा है, रख रहा है, तो मैं थोड़ा गुस्सा कर रही हूँ। और मैं सारा वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना, फ़ोन पर गाना सुनते सुनते करती हूँ, और गाना आएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर भाई वीडियो जो है वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, इसलिए मुझे सब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं भूल गई थी मैं वीडियो बना रही हूँ और गाना सुन रही थी, गाना मतलब भजन। और बाबू को लेके बैठी हुई हूँ, उसको भी पढ़ा रही हूँ, लिखने का काम हो चुका है उसका, सिर्फ राइम्स करवाना है। तभी मैं सब्जी लेके बैठी हूँ, काट रही हूँ, और उसको एक तरफ से राइम्स भी बता रही हूँ। तो 500 हो गए हैं किसी तरह से हमारे सब्सक्राइबर, तो मुझे कम्युनिटी मिल गई है, ये अच्छी चीज़ किया है यूट्यूब ने, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है, इतने साल हो गए और 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है तो बहुत अजीब सा लगता है। खैर कोई नहीं, चींटी चाल में चलते चलते भी एक दिन पहुँच जाएंगे अपने मंजिल पर। तो गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और मुझे अभी थोड़ा सा बाज़ार जाना है, और मैं सब्जी वब्जी बना लूँगी, भुजा वुजा खा लूँगी, तब जाके बाज़ार जाऊँगी सब्ज़ी लाने के लिए। मतलब एक तरह से समझिए टहलने के विचार से मैं जाती हूँ, और सब्जी वगैरह भी लेके आ जाते हैं हम लोग। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ सब्ज़ी, आलू बोरो की सब्ज़ी सिंपल सी, उसके बाद जाऊँगी बाज़ार। वो सब्ज़ी ही लाना है, थोड़ा बहुत छिटपुट सामान है, जैसे गोलगप्पा का पैकेट एक लेना है, और मैगी वगैरह थोड़ा बहुत सामान है वो लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो बाबू की जो है ना, बाबू को बुलाया गया है, नवमी पूजन में होता है ना कन्या पूजन, उसके लिए मैं तो नहीं करती हूँ, यहाँ कुछ लोग जो करते हैं वो बुलाए थे, तो सुबह सुबह फिर उसे उठाना पड़ेगा, कोई नहीं, भगवान जी के लिए सब ठीक है। और मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ी, देखिए बहुत सिंपल से सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतना सिंपल सा सब्ज़ी दिखाने का क्या मतलब है, तो भाई जो बनाते हैं वो दिखाते हैं, है ना। और मोबाइल मेरे साथ हमेशा रहता है, अपने मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ और शूट कर रही हूँ, और देखिए मैं भोजपुरी गाना सुन रही हूँ अच्छा लगता है। मैं भी बोल रही हूँ किनको किनको अच्छा लगता है गाना सुनते सुनते काम करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो गाना सुनते सुनते करूँगी या फिर किसी से बातें करते करते काम करूँगी, इससे काम हमारा जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और गाना गाते गुनगुनाते गाना या भजन मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सुनती हूँ। ये देखिए पानी यहीं पर मैंने घड़ा रख रखा है, और घड़े का पानी अच्छा लगता है, और इसमें मैंने फ़िल्टर के ही पानी भर रखे हैं, फ़िल्टर वाला पानी रहता है। तो इधर अंकित का कप रखा हुआ है,
तो चलिए, और घड़ा का पानी में टेस्ट अलग ही होता है ना। और ये देखिए कुर्सी जो है ना, पहले हम लोग जो डाइनिंग टेबल बनवाए थे उसमें ये कुर्सी था वो जो वाइट कलर का हो रखा था, वाइट कलर का करके रखे थे, और इसको मैंने दिन भर में देखिए कलर कर दिया है, और ये कितना अच्छा लग रहा है। इस पर का जो गद्दा है वो बना दूँगी। और ये देखिए ये भी शू रैग को भी मैंने कलर कर दिया है, और ये जैसे तैसे कलर कर दिया क्योंकि फिर मुझे मन नहीं कर रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। इधर अंकित कर रहा है बदमाशी। शाम का भुजा आ गया है तो इसे बना लिए हैं हम लोग और खा रहे हैं। शाम का चाय नाश्ता हो रहा है, बच्चों को भी दे दिया है, और बाबू इसमें से बादाम चुन चुन के खाती है। देखिए अभी हम लोग भुजा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग बैठ के, और अंकित इस समय ट्यूशन गया था पढ़ने, आएगा तो वो भी खा लेगा। और मुझे अभी जाना है बाज़ार, तो फटाफट से खा के चाय पी के निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ बाज़ार से, थोड़ा सा मार्केट से या सब्जी मार्केट से आई हूँ, और लेके आए हैं बहुत सारे सब्जी, और भुजा वुजा खा के गए थे फिर निश्चिंत से जाते हैं। तो अभी मैं सब्जी निकाल लूँ, और मैं लाई हूँ कलौंजी वाला बैगन, तो वही है। चलिए मैं सब्जी निकाल दूँ, ये देखिए सब्जी है और थोड़े बहुत सामान है, तो वो निकाल लेते हैं सब्जी, ठीक है ना, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो चलिए मैं फ़ोन को यहाँ रखती हूँ, ये देखिए सब्जी, और मैंने यहाँ पर घड़ा रख रखा है। सब्जी बहुत महंगी हो रही है, 80 रुपये से किलो तो कोई चीज़ सब्जी है ही नहीं, 80 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया से आग लगी हुई है सब्जी में, आग। तो ये देखिए इतने सारे सब्जी लिए हैं हमने, और मैं ली हूँ कलौंजी वाला बैगन, और कलौंजी की रेसिपी जो है ना वो मैंने शेयर कर रखा हुआ है पहले से, पहले के वीडियोस में। मैं बनाऊँगी तो एक बार और शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये इतनी सारे सब्जी है, देखिए बहुत सारे सब्जी हैं, और है मैगी के पैकेट्स, और है धनिया पाउडर, और है हल्दी पाउडर, और ये है बेसन। तो मैं अक्सर फॉर्च्यून के बेसन लेती हूँ, लेकिन इस बार नया आया है नरिश करके है, और देखते हैं कैसा है ये। तो ये बेसन, और बहुत टेस्टी सा वो ये रहता है, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। शाम में इसका मसाला बना लीजिए, और मतलब मसाला बना के रखे रहिए, और शाम में इसको फ्राई कर लीजिए और खा लीजिए गोलगप्पा। तो मैं बाहर का गोलगप्पा नहीं खाती हूँ, तो ये पैकेट है और छोटा सा पैकेट है। चलिए तो इतना सारा सामान है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो को, और सब्जी में बना के गई थी बोरो आलू की सब्जी में बना के गई थी। तो चलिए, और इसी का मैं ग्रीन वाला भी सूट पहनी हुई थी, और क्योंकि वो गंदा हो गया था तो मैंने चेंज कर लिया, और फिर ये पहन ली। ये इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, और ये लाइनिंग वाला जो सूट होता है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए वीडियो का आज यहीं पर एंड करते हैं, रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, साई राम सबका भला करेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, राधे राधे सबको, ओम साई राम, साई राम सबका भला करेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ बाज़ार से, थोड़ा सा मार्केट से या सब्जी मार्केट से आई हूँ, और लेके आए हैं बहुत सारे सब्जी, और भुजा वुजा खा के गए थे फिर निश्चिंत से जाते हैं। तो अभी मैं सब्जी निकाल लूँ, और मैं लाई हूँ कलौंजी वाला बैगन, तो वही है। चलिए मैं सब्जी निकाल दूँ, ये देखिए सब्जी है और थोड़े बहुत सामान है, तो वो निकाल लेते हैं सब्जी, ठीक है ना, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो चलिए मैं फ़ोन को यहाँ रखती हूँ, ये देखिए सब्जी, और मैंने यहाँ पर घड़ा रख रखा है।
सब्जी बहुत महंगी हो रही है, 80 रुपये से किलो तो कोई चीज़ सब्जी है ही, 80 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया से आग लगी हुई है सब्जी में, आग। तो ये देखिए इतने सारे सब्जी लिए हैं हमने, और मैं ली हूँ कलौंजी वाला बैगन, और कलौंजी की रेसिपी जो है ना वो मैंने शेयर कर रखा हुआ है पहले से, पहले के वीडियोस में, मैं बनाऊंगी तो एक बार और शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये इतनी सारे सब्जी है, देखिए बहुत सारे सब्जी हैं, और है मैगी के पैकेट्स, और है धनिया पाउडर, और है हल्दी पाउडर, और ये है बेसन। तो मैं अक्सर फॉर्च्यून के बेसन लेती हूँ, लेकिन इस बार नया आया है नरिश करके है, और देखते हैं कैसा है ये। तो ये बेसन और बहुत टेस्टी सा वो ये रहता है, तो इसे बहुत अच्छा था। शाम में इसका मसाला बना लीजिए, और मतलब मसाला बना के रखे रहिए, और शाम में इसको फ्राई कर लीजिए और खा लीजिए गोलगप्पा। तो मैं बाहर का गोलगप्पा नहीं खाती हूँ, तो ये पैकेट है और छोटा सा पैकेट है। चलिए तो सारा सामान है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो को, और सब्जी में बना के गई थी बोरो आलू की सब्जी में बना के गई थी, तो चलिए। और इसी का मैं ग्रीन वाला भी सूट पहनी थी, और क्योंकि वो गंदा हो गया था तो मैंने चेंज कर लिया, और फिर ये पहन ली। ये इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, और ये लाइनिंग वाला जो सूट होता है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए वीडियो का आज यही पे एंड करते हैं, रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, राधे राधे सबको। ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।